है ये हमारे हाथ में। हमारे लिए थोड़ी सी मशहूरी हो गई यार। ग्रेट हम लोग हैं बिकॉज हम भी 2 साल से घर में बैठे हुए हैं, सिनेमा को मिस कर रहे हैं, देखना चाहते हैं फिल्म। तो आई थिंक कोई भी अच्छी फिल्म आएगी तो लोग सिनेमा में देखने आएंगे। This movie sheds lights on various events from 1971 Dhaka Fall. It talks about love, peace, harmony, brotherhood, and ये पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है to establish new relationships and new understanding with South Asia. Okay. ओके ओके आई एम रियली एक्साइटेड। आई फिल्म रिलीजिंग ऑन 19 नवंबर, सिनेमास खुल रहे हैं। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू वॉच एवरी सिंगल पाकिस्तानी मूवी एंड प्लीज कम एंड वॉच आवर फिल्म। बहुत दिल से बनाई है, बहुत मेहनत की, आज थिएटर लॉन्च है एंड आई होप यू गाइस विल लाइक द थिएटर। ऑल द बेस्ट। आबिद भाई आप दे रहे हैं जल यहाँ देखें। ये हमारे हाथ में कल अब आपको अकेले है क्या? कल मेरा व्रत रो आता चले जी। ये देखो ये कौन खड़ा मेरे पास है। हमारे लिए थोड़ी सी मशहूरी हो गई यार। ग्रेट ग्रेट मिस अजल थोड़ा सा मूवी के बारे में बताइए। यार बताओ Where is it? Okay, so can we go from there?
ये डांस कैसे किया इन्होंने? यार बाहर डांस अच्छा करता है। इसने आपको ये बताना चाहता हूँ, ये लड़का दिस बॉय, और मैंने कहा इसको रिहर्सल समझो, तुम आगे जिंदगी में फिल्म्स करोगे इंशाल्लाह, और आगे, और मेरी जबान सच्ची हुई, मेरी फिल्म काट गया वो एक अलग बात है, लेकिन वो नहीं किया और डायरेक्ट फिल्म के सेट पे डांस करने गया। सो आई एम गोइंग टू जज यू बिग टाइम सर। आई नो मुझे भाली होनी चाहिए, वंडरफुल एक्टर, बहुत जबरदस्त, एंड यू गाइस लुक अमेजिंग ऑन स्क्रीन। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और हम चाहते हैं ये फिल्म इंशाल्लाह 100 करोड़ का बिजनेस करे, एंड वी ऑल हैव टू गो एंड वॉच दिस फिल्म। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ देम, इट्स अ वेरी ब्रेव मूव। थैंक यू बाप, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द फिल्म। आपको कैसा लगा मेरा डांस? बट ठीक है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप लोग कैसे हैं सब? अच्छा जी, तो सजल आप यहाँ खेल खेल में की वजह से आई है ना? जी जी बिल्कुल। सो मुझे बताइए कि उसमें जो आपका किरदार है वो किस किस्म का है, जितना आपको कोच किया गया है कि जितना आप बता सकते हैं, सो उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, किरदार के बारे में, क्योंकि मैंने खुद भी ट्रेलर नहीं देखा है तो मुझे फिल्म मेरा किरदार एग्जैक्टली उसकी क्या बुनत है और क्या निकल क्या है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये फिल्म मैंने इसलिए की बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद नबील कुरैशी सिंस आई वॉज अ किड। सो फाइनली मुझे मौका मिल ही गया। सो किसके साथ? नहीं, वो राणा साहब पे तो बाद में आएंगे, लेकिन मेरा ख्वाब यही था बचपन से कि मैं नबील कुरैशी की फिल्म में काम करूँ एक दिन, और वो दिन आ गया। और आप खुश हैं अपने काम से, अपने किरदार से? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो किया है। एक एक्टर को जो एक भूख होती है वो जो एक लालच होती है ना वो आपके कैरेक्टर्स की होती है। सो अगेन दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट जो मेरा किरदार है, इट्स वेरी अनयूजुअल, जो मैं चाहती थी कि मैं फिल्म में वो काम करूँ जो थोड़ा सा हटके है। सो ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, और उसी वजह से मैंने फिल्म की। थैंक यू सो मच सजल, थैंक यू। अब आपके साथ ही जो हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं ये पूछने वाला था आप मुझसे बात नहीं करेंगे? मैं आ ही रही थी, मैं थोड़ा सा अच्छा सा इंट्रोडक्शन भी देने वाली थी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल अब्बास की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, सजल की तो मैं हूँ ही, बट सजल से मेरी मुलाकात रही है। बट बिलाल अब्बास इज़ वन ऑफ दोज राइजिंग एक्टर्स हु हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स सिंस डे वन। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। तो बिलाल, जिस तरह से सजल से मैंने पूछा, तो आपका जो किरदार है इस फिल्म में वो, अच्छा इन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया, आप मुझे बस ये बता दें कि किस किस्म का है, लाइक इज इट लाइक द टिपिकल चॉकलेट हीरो दैट यू सी, और डज इट हैव सम डेप्थ टू इट? ऑनेस्टली इट्स अ वेरी सिंपल कैरेक्टर, और मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है इस कैरेक्टर पर। ऑनेस्टली जितना मैं यूजली करता हूँ, मैंने सिर्फ खाने खाए और इन्जॉय किया। बहुत सिंपल सा कैरेक्टर था जो मुझे इनिशियल ब्रीफ मिली थी, बट द स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट। जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्टेंट है मूवी का, वो बहुत इसकी USP है। वरना मेरा कैरेक्टर तो एक्टर बनना चाहता है, मैं भी रियल में एक्टर बनना चाहता था, सो इट्स वेरी लाइक रिलेटेबल। मैं भी आज तक एक्टर बनना चाहती हूँ। आप बन जाएंगे इंशाल्लाह आज तक। सो मतलब जब आप लोग फिल्म साइन करते हैं, कोई कैरेक्टर आप लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि आपको एक भूख होती है, एक चाह होती है कोई नया कैरेक्टर करने की, आपको लगा कि इस फिल्म ने आपको दिया? बिकॉज दिस इज योर डेब्यू फिल्म, राइट? No, this is not your, oh, this is my second film. This is your second film. So is this, will this prove to be different from the character that you played earlier on? Obviously very different. Wo film ka concept, kahani, everything was very different. Ye film altogether is completely different. And jis tarah Sajal ne kaha tha, I wanted to work with them. अपने बचपन से, मैं भी अपने बचपन से काम करना चाहता था कि बड़ा होऊंगा तो नबील फिल्म, नबील कुरैशी की फिल्म करूंगा। नबील भी ऐसे ही था, सबकी मुझे लग रहा है बचपन से, इवन फहद भी जो है वो बचपन से चाहता था। सब माशाल्लाह। कभी कभी आपको वैसे ही लगता है कि आप
आपको वक्त चाहिए मज़ीद सीखने की और फिल्म करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है। फिल्में ज़रूर ऑफ़र हुई लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिल को लगा नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ मैं ये कर रही हूँ। तो ये वाली फिल्म तो मैंने बिना पढ़े की थी अगेन। सो ये फिल्म दिल को लगी, अच्छी लगी, अलग थी तो कर ली। अब देखते हैं इसके बाद रिलीज़ होने के बाद कैसा लगता है और फिर कितना वक्त लगेगा अगली फिल्म पे। लेकिन खैर नदीम सर ने तो प्रॉमिस किया है मुझसे वैसे ही नहीं। अच्छा ऑलरेडी आपके सुनिए मेरे लिए आपका सवाल क्या था? सॉरी मैं भी भूल गया। इससे इतना बड़ा जरूर कहा था आपने इतना टाइम क्यों लिया दूसरी फिल्म साइन करने में? मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 4 साल लिए और 4 साल में मुझे कोई अच्छी फिल्म लगी नहीं। एंड मुझे जितनी फिल्म ऑफर हुई हैं मैं अपने आप को पुश नहीं करता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे बात कर लें, मैं वैसे जवाब भूल जाता हूँ। सो मैं अपने आप को पुश नहीं करता हूँ फिल्म करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए। मुझे कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगता है मैं कर लेता हूँ बिना सोचे समझे। मेरे लिए वो प्रोसेस जो होता है जिसकी वजह से मैंने काम करना स्टार्ट किया मैं वो इन्जॉय करता हूँ। एंड अगर मैं वो इन्जॉय कर रहा हूँ सो आई एम मोर देन हैप्पी। एंड जिस तरह सज्जन ने कहा एग्जैक्टली मैंने भी व्हेन आई मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिसाइडेड इंस्टेंटली कि यार अच्छा इन्होंने मुझे बुलाया, अब ये शायद किसी और एक्टर पर पास ना चले जाएँ, मैं तो रेडी हूँ, आई वॉन्ट टू डू देयर फिल्म। और ये बैठे हैं ठीक है, तो मैं कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता। मैं एक ही बात कर रहा हूँ और वो ये है कि एक फिल्म जो है इसमें अगर देखने वाले को स्पेस ना दी जाए तो मेरे लिए वो फिल्म नहीं। और मेरे ख्याल में जो इन्होंने काम किया है और बाकी सब लोगों ने भी काम किया और बहुत सारे और लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, उसका नतीजा ये है, मैं ये महसूस करता हूँ कि इस फिल्म में देखने वाले के पास बहुत ज़्यादा चर्चा है। और ये बड़ा एक कमाल होता है, बहुत कम फिल्में होती हैं जिसमें कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि देखने वाले को मैं कितनी स्पेस दे रहा हूँ। काम तो ठीक है तो हो रहा है लेकिन ये मुखातिब होना किसी से, किसी को समझाना कभी इस चीज़ को इस तरह देखो, ये इसमें नहीं, इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश मौजूद है। जिसका मतलब ये हुआ कि एक देखने वाला जो है वो इसको देखेगा लेकिन ये नहीं है कि हजम करके तो घर चला, ये नहीं, उसके बारे में सोचेगा जरूर, उसके बारे में बात करेगा, एक डायलॉग जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत उसकी ज़रूरत है, डायलॉग। यार स्टोरी लाइन पूरी तो नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, अभी आज ट्रेलर लॉन्च है तो ट्रेलर आएगा तो आई एम श्योर आप लोग उसमें ज़्यादा बेहतर जज कर पाएंगे। बट द फिल्म इज़ अबाउट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एक थिएटर परफॉर्म करने जा रहे हैं ढाका बांग्लादेश में। सो फिल्म हैज़ यू नो दो स्टोरीज चल रही हैं, एक थोड़ी सी पीरियड 1971 की और एक जो है वो आज के दौर के पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्यूजन बिटवीन यू नो पास्ट एंड प्रेजेंट एंड वी आर लाइक यू नो डिस्कसिंग हाउ द फॉल ऑफ ढाका इज़ हैपनिंग। सजल हैं, बिलाल हैं, सजल अली, बिलाल अब्बास, क्या हाल है? सजल अली, बिलाल अब्बास, मदर साहबाई, समीना अहमद, मरीना खान, जावेद शेख साहब, नवीद रजा, उसके अलावा बहुत सारे इसमें नए एक्टर्स हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं जिन्होंने
उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई एम श्योर जब आप फिल्म देखेंगे या ट्रेलर देखेंगे तो यू विल नो के कितने अच्छे और नए टैलेंटेड लोग हैं फिल्म के अंदर। और बहुत सारे जो लोग कहते रहते हैं कि नए लोगों को चांस नहीं मिलता है फिल्म में, तो इस बार वी हैव लाइक यू नो 8 to 9 गुड न्यू पीपल हु हैव बीन यू नो लाइक वर्किंग विद अस इन दिस फिल्म। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि Fahd is a brilliant actor, no doubt. Mahvish and even and not just Mahvish and Fahd, I have also worked with Mahira. She is also super. And Cobra, Urva, Sai. So many, बहुत सारे लोग रखे हैं। Mohsin, Thorsten Matter, ठीक है, Sheikh साहब तो. But हाँ, as a protagonist, I would say कि हाँ, ठीक है, Fahd का करता रहूँ. But this film was different. इसके script different था, इसकी story की demand different थी. And I think Bilal Abbas was our first choice for the character. So is Sajal Ali. And I was really, you know, impressed by their discipline and the way they work. They worked really hard on the film because we were shooting in the COVID times, mein, so we had to take precautions. There were a lot of things happening, and I think everyone has given their 100%. एक और बात, अभी जैसे सिनेमास बहुत टाइम बाद तकरीबन 1.5 से 2 साल बाद खुल रहे हैं, इस टाइम में एक बड़ी फिल्म लेके आ रहे हैं, तो आपको उम्मीद है सिनेमा से क्या सब? या बिल्कुल उम्मीद है, उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है मैं भी एक आम ऑडियंस ही हूँ जैसे बाकी सब लोग हैं, बिकॉज हम भी 2 साल से घर में बैठे हुए हैं, सिनेमा को मिस कर रहे हैं, देखना चाहते हैं फिल्म। सो आई थिंक कोई भी अच्छी फिल्म आएगी तो लोग सिनेमा में देखने आएंगे, बिकॉज पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम सिनेमा और एंटरटेनमेंट फॉर पास्ट 2 ईयर्स। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू नो पीपल शुड गो बैक टू द सिनेमास, बट वैक्सीनेशन लगवाएं सो दैट यू नो चीज़ें ज़्यादा आसान हो सकती हैं। ये कोविड था भाई, पाकिस्तान से बाहर जा नहीं सकते थे, तो क्या कहते हैं, हमने जो है वो पाकिस्तान में ही शूट किए, बट पाकिस्तान के काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट शहरों में शूट हुई है, तो कोविड की वजह से बाहर तो जा नहीं सके, बट जहाँ पर शूट किया सो आप देखेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि बाहर भी शूट हुई। अरे सर एक मिनट मुझे बोलने तो दो यार, 5 मिनट का काम, सारा का सारा काम किसका? जिन लोगों ने बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द सीन बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और वो दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा वो मेकिंग ऑफ द फिल्म, देखा ना आपने, उसमें नजर आ रहा है कि काम किसने किया, इसने क्या किया? ये तो ऐसे ही हमारी तरह खाम खाम में है। और देखें, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर एक फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा काम, बहुत मुश्किल काम है, और इसको हाथ लगाना जो है बहुत समझ बूझ के बाद हाथ लगाना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। अब दूसरी बात यह है कि देखने वाले जो हैं वो उसके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है ना, ऑडियंस के बारे में तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है, इन्होंने एक कोशिश की, अब ऑडियंस की बात है कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। मेरे लिहाज से क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का सब्जेक्ट है, तो मेरे लिहाज से पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश जो है वो मौजूद है, और जो कि बुरी चीज़ नहीं है, इख्तलाफ होना जो है, अगर आप एक चीज़ दिखा रहे हैं उसके बारे में इख्तलाफ होता है, उसी से नई चीज़ निकलना, इख्तलाफ से निकलो। अगर एक आदमी फिल्म देखी है उसने तो हजम करके तो बाहर निकल गया, ठीक है ना, मतलब ये है कि कंज्यूम करने वाली चीज़ नहीं है, तो इसमें देखना पड़ेगा, जो देखने वाला है उसको सोचना पड़ेगा, वैसे नहीं कि फिल्म देख के तो निकल गया घर जाके तो ठीक है उसने मसले पे बैठ गए, ये नहीं, उसको हर कीमत पे सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है कि ये तमाम लोग जो हैं बहुत बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं, और मेरी नज़र में तो वैसे भी फिल्म बनाना जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, फिल्म बनाना ही बहुत बड़ी चीज़ है। एक दूसरी बात कि किसने फिल्म बनाई और क्या बनाया है, अब नहीं भाई मेरा क्या काम आपके साथ यार, इधर हमारे नहीं, और ये
बहुत अच्छी फिल्म है। पिक्चर बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है जो बहुत मुश्किल से बनता है, जिसमें एक्टर्स की, प्रोडक्शन की, ओवरऑल लोगों की बहुत मेहनत लगती है, और जो एक यूजुअल काम होता है उससे ज़्यादा मेहनत लग रही होती है। लेकिन आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ सच डिफरेंट टॉपिक जो दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, और पेंडेमिक के बाद इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म दैट विल बी गोइंग टू रिलीज इन सिनेमा विद जाइंट हॉलीवुड फिल्म। लेकिन आई एम श्योर, और मुझे पूरा एक भरोसा है इस पर कि जितनी मेहनत इस पर की गई है और जितनी अच्छी बनाई गई है, ये आप लोगों को पसंद आएगी, और इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ हिट, क्योंकि इस पर सब ने दिलो जान से काम किया है, और सब्जेक्ट ऐसा है इतनी मज़े की, और एक डिफरेंट, एक कहते हैं ना, लाइटर मोड पे एक चीज़ बनी है कि आप लोगों को मज़ा आएगा, फ्रेश कंटेंट है, फ्रेश चेहरे हैं, तो हाँ हू नहीं है, दिशम दिशम नहीं है ज़्यादा, तो आपको पसंद आएगा। गो टू सिनेमाज नियर यू 19th November एंड वॉच खेल खेल में, क्योंकि इसके अलावा अगर आप कुछ देखना भी चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यही है सब देखने के लिए, और दिसंबर तक, मार्च तक देखते रहें उस खेल के। seconds ke liye each at this because Everity, I'm doing the show for Everity, one of the distributors hum to mujhe karwa do, bataunga ki hai 7 liter ka